साथियों, कांग्रेस का कुशासन और लापरवाही यही कारण है कि देश बर्बाद होता गया। कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाती है। ऐसी ही करतूतों के कारण कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, कांग्रेस का कुशासन और लापरवाही यही कारण है कि देश बर्बाद होता गया। आज भाजपा सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है। इतना ही नहीं, जो लोग निर्दोषों को मारते हैं, लोगों का जीना हराम कर देते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, अगर वो मारे जाएं तो एक कांग्रेस वाले उनको शहीद कहते हैं। जब आप ऐसे लोगों को शहीद कहते हो ना, तो इस देश के शहीदों का, वीरों का अपमान करते हो। इसी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाती है। ऐसी ही करतूतों के कारण कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है। भाइयों और बहनों, आज जब मैं सरगुजा आया हूं, तो कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को देश के सामने रखना चाहता हूं। और जब उनका मैनिफेस्टो आया, उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, जब संविधान बन रहा था, काफी चर्चा विचारणा के बाद देश के सभी बुद्धिमान लोगों के चिंतन मनन के बाद बाबा साहब आंबेडकर के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, आरक्षण होगा तो मेरे दलित भाई बहनों के लिए होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए होगा, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने कभी इन महापुरुषों की बातों की परवाह नहीं की, संविधान की पवित्रता की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर के शब्दों की परवाह नहीं की। कांग्रेस ने बरसों पहले आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया था। फिर कांग्रेस ने इसको पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई। इन लोगों ने धर्म के आधार पर 15% आरक्षण की बात कही और यह भी कहा कि एससी एसटी ओबीसी का जो कोटा है, उसी में से कम करके, उसी में से चुरा करके ये धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाए। 2009 के अपने घोषणा पत्र में
कांग्रेस ने यही इरादा भी जताया। 2014 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इन्होंने साफ साफ कहा था कि वो इस मामले को कभी भी छोड़ेंगे नहीं, मतलब धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, अगर दलितों का आदिवासियों का आरक्षण कट करना पड़े तो करेंगे।